पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा ही रास्ता बचा आई थिंक 100-200 मीटर का। शहर वालों, हे गाइस, वेलकम बैक। तो बहुत टाइम के बाद आज वीडियो अपलोड हो रही है, तो क्योंकि मेरे दीदी एंड जीजू आए हैं तो मिलिए इनसे। हेलो हेलो हेलो, चालू है? यस यस यस, बता देते पहले मुझे। हाय गाइस, हेलो हेलो। तो ये बहुत टाइम के बाद जो है ससुराल की तरफ आई हैं और ये मायके आई हैं, आई थिंक 2 साल बाद ना। 2 साल, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो आप देख रहे हो मौसम बहुत भयंकर हो रखा है, सुबह से बारिश हो रही है, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, बट फिर भी हम रिस्क लेके जा रहे हैं। और ये जा रहे हैं हम चौनकोटगढ़, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ब्लॉग जो था वो चौनकोटगढ़ पे ही था, और बट ड्यू टू कॉपीराइट इशू शायद हमें उसे डिलीट करना पड़े। आपने इनको कहीं टीवी पे देखा है? इनको गलत फहमी एक बार किसी ने, इनको किसी ने मेट्रो में रोक दिया था और बोला क्या बोला, हाय हाय, मैंने आपको कहीं टीवी पे देखा है। तो तब से ये इनके पांव जमीन पे नहीं रहते हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं, है ना। एक्चुअली पहले एक दो छोटे से ऐड और कुछ शॉर्ट्स फिल्में की हैं, तो मतलब उसमें उसके बाद से फिर मुझे मुझे ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इसलिए मैंने अपना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश की है। मेरे फैन जिस हिसाब से आप पीछे भी देख सकते हैं, थोड़ा पीछे का आप कैमरा घुमा दीजिए, आप हमारे साथ बने रहे, हम हाँ। आपको लेके चलते हैं। कहाँ? चंद लोग अभी जुड़े हुए हैं। चंद लोग अभी नहीं, अभी अच्छा। कुछ लोग हमें और मिलेंगे रास्ते में। चौनकोट को चंद लोग बोल, अरे इन चंद लोगों की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें काटना पड़ जाएगा। मुझे लगा कोई 30 लोग हो गया, 5000 लोग, स्वर्ग लोग, चंद लोग हो गया। तो ये हमने पहला पड़ाव पार कर चुका है और हम पहुंच गए जक्षखाल। तो यहीं पे से अब जो है असली रास्ता शुरू होगा, मतलब हम पहाड़ी पे चढ़ेंगे। और ये दिल्ली वालों को प्यास लगी बहुत, पसीने तो नहीं छूट रहे आपके हैं? यहाँ का जो पानी है हाँ अमृत है, उसके तो कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है। और ये बहुत जॉली नेचर के हैं, तो देख रहे हो आप सबके साथ घुल मिल गए, जबकि ये पहली बार इन सब लोगों से मिल रहे हैं। मुर्गे मुर्गियाँ कुत्ते कुत्ते, धन्यवाद ताऊ जी। आर यू रेडी? हे गाइस, तो ये जो चौनकोटगढ़ है, एक्चुअल में ये उत्तराखंड के जो बावनगढ़ हो गए, 52 राजा थे। तो उन 52 गढ़ों में से ये एक गढ़ है चौनकोटगढ़। तो ये जो है हमारे क्षेत्र में आता है, पोखड़ा एकेश्वर ब्लॉक में जो है पौड़ी गढ़वाल के, तो उसका नाम है चौनकोटगढ़। और कई कई जो चांदपुरी गढ़ी थी, कोई उसमें भी कन्फ्यूज होते कि ये कहीं चांदपुरी तो नहीं, तो चांदपुरी अलग था और चौनकोटगढ़ अलग था। तो आज हम जा रहे हैं वहीं की सैर पे और देखते हैं जहाँ पे राजा का किला था वो जगह कैसी है। चलो, तो ये देखो आप, पहले तो उत्तराखंड, ऊपर से बरसात का मौसम, ऊपर से चौनकोट गढ़ी का रास्ता, तो इसका मज़ा ही कुछ और है। देखो देखो देखो, ये देखो आप, बहुत दुर्गम रास्ता है और थोड़ा कैमरा ऑन करने में डर भी लग रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है पत्थर हैं और खाई है। तो सिर्फ जहाँ पे प्लेन प्लेन रास्ता है वहीं पे कैमरा ऑन हो रहा है। तो ये देखो, ये है खालचाल बनाई हुई लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, ताकि अंडरग्राउंड वाटर जो है चार्ज हो और जो यहाँ के पशु पक्षी हैं उनके पीने के लिए जो है यहाँ पे पानी रहे। तो गांव के लोग होते हैं वो इतना सोचते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में। तो ये चीज सीखने वाली चीज़ है, आप लोगों को ज़रूर अपनाना चाहिए। Oh my God, इतने calls, too many calls, you know. Oh, कैमरा चालू है? Hi, hi guys again. पूछिए, चलते हैं। मैंने कहा आपने कल मेरी बेइज्जती उड़ा दी, तो कैसा लगा आपको मेरा हाथ का खाना? मैंने पहली बार इनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाया, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने गेस किया कि किसने बनाया होगा और मैंने सही आदमी गेस किया। अरे अच्छा अच्छा बना था, मुझे पता ना, टेस्टी। बहुत टेस्टी था, बाकी के लिए बहुत टेस्टी था, मतलब इतना बढ़िया नमक मिर्च घर पे उपलब्ध है लेकिन डाला नहीं देते। कुछ लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, ये लास्ट यात्री हैं, सबसे पीछे रहते हैं ये। तो अब ये खूबसूरती, मैं रास्ता एंजॉय करते करते आती हूँ, ठीक है। तो मतलब इनका एक अलग यहाँ पे रुतबा है, आप इनके इनकी इनके पेज को, इनके चैनल को, इनको, इनके उत्तराखंड को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, मोहब्बत दीजिए। हाँ। वीर जवान ढेर ढेर, ऐसे मुझे पता था ढेर बोले बोलने ढेर हो गए हैं, ढेर नहीं है। हम सम्मान कर रहे हैं ट्रैकिंग का। अच्छा, आगे फिर मिल गए, घर पहुंच जाना सबके साथ। और यहाँ पसीना पसीना हो चुका है हमें,
तो जी आप मेरी फुटेज क्यों खा रहे हो? मैं काफी देर से कैमरे में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्यों मेरी फुटेज खा रहे हो? मेरे साथ साथ ये भी चर्चित महिला है। हाँ, और महिला काफी फॉलोअर है इनके। हालांकि मैं अपनी क्या बात करूँ, ज्यादा लोग इसको घर पे ट्राई ना करें बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, और ये देखिए, वाह 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 वाह, ओ माय गॉड, सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो में इतना अच्छा आती नहीं है। नेचुरल, वाओ, यू कांट इमेजिन, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में हम काफी ऊपर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा ही रास्ता बचा, आई थिंक 100-200 मीटर का, लेकिन चढ़ाई है काफ़ी। तो आप देख रहे हो, वो देखो वो चोटी, वहाँ पे राजा का किला था, और यहाँ की आप ब्यूटी देख रहे हो। यू कैन सी, कैमरा जो है 1% शो कर रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मेरी अपने क्षेत्रीय लोगों से भी विनती है कि जो लोगों ने आज तक यहाँ पर विजिट नहीं किया है वो ज़रूर विजिट करना, और जो बाहर शहरों के हैं तो वो तो पहले उत्तराखंड आओ, उसके बाद तो आपको हेवन ही है, पूरा ही हेवन है, जहाँ विजिट करना है विजिट कीजिए। देखो ये बहुत घने जंगल के बीच में अब हमें, क्योंकि यहाँ से अब मेन रास्ता शुरू है, मेन तो क्या मतलब 100 मीटर का रास्ता बचा हुआ है। तो जीत, हेलो जीत, आर यू एंजॉयिंग द वे? बस ज़्यादा नहीं बोलना है, यस और नो। ग्रेट। दीदी आपको थकान लग गई है बहुत ज़्यादा? अभी तो नहीं लग रही फिलहाल। अच्छा, अभी नहीं लग रही, मतलब अभी चार जगह रुक के तीन बार पानी पी चुके हो आप? पानी अभी तक एक बार भी नहीं पिया। और दिव्या मैडम, आप कौन से टाइम यहाँ पे चौनकोट विजिट कर रही हैं? चौथी बार। ओए ओए ओए, और ये लोग आते हुए चढ़ाई चढ़ते हुए, अच्छा ये मौसम का जादू है वंदना, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बेब, मी या थैंक यू, ओनली बाय साइड व्यू, सुहाना सफर, और ये वाह 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 वाह, और हम हैं जन्नत में, खो न जाए कहीं। What happened, babe? हो सकता है इनके पैर पे थोड़ा सा लगा हो। हम पहुंच चुके हैं पहाड़ की चोटी पे, और अब हम दिखाएंगे आपको चौनकोटगढ़ का व्यू। तो शहर वालों, और ये सब कैमरा खोले हुए हैं। जीजू कैसा फील हो रहा आपको? शहर वालों, आज इनके अंदर एक उत्तराखंडी जाग चुका है ये व्यू देख के। हाँ, आज पूरे शहर वाले पे तंज कसे जा रहे हैं। इस समय हम लोग हेवन में 24,000 हाइट पे हैं। हाँ, और यहाँ पे अगर हम कुछ पुराने लोगों से बात करें जो वैज्ञानिक तौर पे यहाँ पे ढूंढते रहते हैं, तो उनके द्वारा हमें पता चला है कि यहाँ से अगर, अरे बकायदी मत करो, यहाँ से अगर हम लोग रॉकेट लॉन्च करते 30,000 किलोमीटर और बचा हुआ। बस बस बस, बात बकायदी हो गई, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो फालतू की। आप देख रहे हो सब लोग यहाँ पे फोटोशूट पे लगे हुए हैं, यू कैन सी दीदी भाई और मेरे जीज, तो आपको पता ही है वो तो पूरे ब्लॉग में छाए हुए हम हैं। हम पहुंच गए हेवन में, तो ये वही चौनकोटगढ़ है जहाँ जिसको राजा अजय पाल ने 52 गढ़ों को जो कंसोलिडेट किया था, उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ है ये चौनकोटगढ़। और अभी देख रहे हो आप, कोहरा ही कोहरा, धुंधी धुंध लगी हुई है। अभी आप 1 घंटा वेट करेंगे, इस धुंध के हटने का वेट करेंगे, तब दिखाते हैं हम आपको यहाँ का व्यू कैसा है। बादल पे पाव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, तारा रा 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 रा। पहाड़ के सबसे
हमारे व्यू खराब कर रहे हैं। तो हम हैं अभी चौनकोटगढ़ पे, ऑल्दो यहाँ पे बहुत धुंध लग गई है। अगर एक घंटे पहले शायद हम पहुंचे हुए होते तो हमें यहाँ पे अमेजिंग व्यू देखने को मिलता, क्योंकि बादल जो है पहाड़ों से नीचे बादल थे और ऊपर पहाड़ दिख रहे थे। इनक्रेडिबल व्यू था, जो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट भी दिखाया है, क्योंकि हम 5 मिनट के बाद जो है पूरा धुंध लग गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से करीब करीब 50 गांवों का व्यू दिखता है इस जगह पे। तो शायद राजा का किला भी शायद इसीलिए रहा होगा यहाँ पे कि ताकि वो अपने क्षेत्र पे जो है पूरी नज़र डाल सके कि कहाँ क्या गतिविधि हो रही है। और दूसरा शायद इतनी हाइट पे बनाने का, किला बनाने का ये कारण रहा होगा कि कोई जो है दुश्मन सेना अगर कोई आक्रमण कर रही हो तो जल्दी से पता चल जाए, और इतना जो दुर्गम रास्ता यहाँ चलने के लिए तो इतनी जल्दी से अटैक ना हो पाए उनकी। और क्योंकि अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से जो है एक गुफा भी जाती थी नीचे और जौनी सेरा तक, काफ़ी दूर है यहाँ से, ताकि जो है कभी आपातकालीन स्थिति में वहाँ से जो है निकला जा सके। और जो यहाँ की रानी थी वो भी उस गुफा के रास्ते, वहाँ पे एक रसर है, नदी है, वो एक बहुत दूर है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं। क्या नाम था रानी का? रानी का नाम नहीं पता है। इसका जो है गढ़वाल का जो इतिहास है वो थोड़ा कुछ अस्पष्ट सा है, जो एक राजा एक कर्णपाल हो गए और एक अजयपाल, जिनका नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इतिहास में। तो अजयपाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो 52 गढ़ थे इनको कंसोलिडेट किया था और अपनी राजधानी श्रीनगर में बनाई थी। अच्छा। बल्कि देवलगढ़ में उनका स्टैचू भी है। अच्छा। तो आप अभी देख रहे हो, ये देखो आप जो पत्थरों की यहाँ पे आप दीवार देख रहे हो, मेरे ख्याल से ये अवशेष हैं किले के। अच्छा अच्छा। 200-300 साल पुरानी बात है ये 200, तो इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ हमें अवशेष दिखाई दे रहे, खंडर दिखाई दे रहे। यहाँ पे जो है कभी एक्सकेवेशन का काम नहीं हुआ, खुदाई का काम नहीं हुआ, तो मेरी प्लीज विनती है सर्वेक्षण से, विभाग से भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है राजा का किला यहाँ पे था, बहुत सारे लोग इसके जो है गवाही देते हैं कि यहाँ पे किला था, तो जरूर जो है जमीन के नीचे कुछ ना कुछ जो है सोना चांदी कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम, खुदाई का काम जरूर करें। और मेरे जीजा जी तो इसी उम्मीद में आए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये इनका पॉइंट रहा है कि यहाँ पे खुदाई जरूर की जाए। हाँ। और क्या पता कुछ अच्छी चीज मिल जाए, जिससे सोना चांदी मिल जाए और ऐसे टाइप की कुछ हमें जो है पौराणिक अवशेष मिल जाए। और इसको जो है पर्यटक स्थल घोषित करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है हम ही जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उसी को यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये क्षेत्र जो है आप बहुत गुमनाम है, बहुत लोगों में गुमनाम है, बहुत कम लोग यहाँ पे, इस क्षेत्र के ही लोग यहाँ बहुत कम विजिट कर चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस जगह को एक पर्यटन स्थल का जो है रूप दिया जाए, और अदरवाइज यहाँ एक्सकेवेशन तो यहाँ खुदाई का काम तो होना ही होना चाहिए। देखो ये नींव के पत्थर है, किले की नींव के पत्थर है, और नीचे भी हैं, नीचे बहुत फिसलन है तो शायद हम जा नहीं पाएंगे पत्थर के। तो जी, जो आप दिल्ली से आए हो, स्पेशल हम आपको गढ़ दिखाने के लिए आए हैं चौनकोटगढ़, तो आपको क्या लगता है इस जगह को देख के, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे किला रहा होगा? राजा ससुराल चौबटा काल, मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे, पहली बार आया मैं इस जगह पे। और जो इसकी जो कथा रही है, जो कहानी रही है, वो मतलब अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे पुराने जो भी यहाँ पे रहे, महल हो या मकान हो या जो भी बाउंड्रीज यहाँ पे थी, उनके अवशेष आज भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सारे पत्थर उसी की निशानी है, वरना हम इस समय 20,000 हाइट पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए कायदे से, यहाँ पे जंगल झाड़ी रहना चाहिए। सही बात है। लेकिन ये जो पत्थर हैं, ये जो तरीके से लगाया हुआ है, और उधर भी कुछ मकान हम देख रहे हैं जो टूटे फूटे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जरूर आए। तो शहर वालों तो ये उस उम्मीद में आए थे कि यहाँ इनको खजाना मिलेगा। ओहो, सो सैड। यहाँ पे खुदाई की जाए, यहाँ कीमती सामान या सोना चांदी हीरे जवाहरात मिल सके, थोड़ा सा हमें चाहिए जो हम भी मैसेज पहुँचा रहे हैं आप लोगों के पास। चौपट्टा खाल मेन मार्केट में हमारा घर है। देख रहे हो तमाम अवशेष, देखिए आराम से अरे देखिए, लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ यहाँ पे रूम वगैरह रहे होंगे, ये तो स्नान गृह लग रहा है। खैर, यह पूरे अवशेष देख सकते हैं। तो आपको चौनकोटगढ़ के बारे में जान के कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं गदगा तो हाँ, रास्ते पे आएंगे तो व्लॉग बनाना है, तो प्लीज़ ज़मीन पे देख के चलेगा नीचे, वरना बहुत बार गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैंने 3 शॉट ले चुके हैं, और अब हिम्मत ना है लेने की, तो अब घर की तरफ जा रहे हैं।